हेलो फ्रेंड्स, मॉम्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्पिनिच पेस्टो पास्ता। ये बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और ये बहुत ही हेल्दी भी है। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप बॉयल मैक्रोनी, 2 टमाटर बड़े टुकड़ों में कटा हुआ, 1 कप ब्लांच की हुई पालक, 2 टेबल स्पून रोस्टेड पीनट्स, 3 से 4 करी लहसुन, फ्रेश क्रीम, नमक, ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर, चीज़, रेड चिली फ्लेक्स और ऑयल। तो सबसे पहले हम पेस्टो सॉस बनाएंगे। इसके लिए हमने अपनी ब्रांच करी हुई पालक को मिक्सर में डाला, इसमें 2 टेबल स्पून रोस्टेड पीनट्स, लहसुन की कलियां और ऑयल डालकर इसको हमें ग्राइंड कर लेना है। इसको हमें बहुत महीन नहीं पीसना है, थोड़ा सा इसको दरदरा ही रखना है। अब हम एक पैन में 2 चम्मच तेल गरम करेंगे। इसमें जो हमने टमाटर काट के रखे थे उनको हम सौते करेंगे। हमें इन टमाटरों को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, बस इसको 2 से 3 मिनट तक तेज आंच पर भूनना है। हमारे टमाटर भूनकर तैयार हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी पैन में अब हम अपनी बॉयल की हुई मैक्रोनी को डालेंगे। ये मैक्रोनी हमने पहले से ही बॉयल करके रखी थी। उसके लिए हमने पहले एक बड़े बर्तन में पानी गरम किया, उसमें थोड़ा सा नमक और ऑयल डाला और जब वो पानी उबलने लगा तो हमने उसमें मैक्रोनी डाल दी। और उससे 3 से 4 मिनट के बाद जब वो मैक्रोनी सॉफ्ट हो गई तो हमने उसका पानी ड्रेन कर दिया था। अब हम इसमें 2 चम्मच पेस्टो सॉस डालेंगे जो कि हमने पहले से ही रेडी करके रखा है। अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा ऑरिगेनो, थोड़ा ऑरिगेनो डालकर मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, दो चम्मच फ्रेश क्रीम या घर में फेटी हुई मलाई, जो भी आपके पास हो वो डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो हमने टमाटर भून के रखे थे उनमें से थोड़े से टमाटर हम इसमें इस समय पर डाल देंगे और सबको बहुत अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अब हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स और चीज़ का एक स्लाइस तोड़ कर डाल देंगे और सब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा चीज़ मेल्ट हो रहा है। हमारा स्पिनिच पेस्टो पास्ता बनकर तैयार है। ये देख खाने में बहुत ही यमी लगता है और इसके साथ साथ इसके पालक होने की वजह से ये बहुत ही हेल्दी भी है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ऊपर से बचे हुए टमाटरों के साथ इसको गार्निश करेंगे। आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा चीज़ और रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।